हेलो गाइस, सौदा प्रेजेंट पे मेरा मैं शिखर फ्रॉम सिस्टम मेडिकल कॉलेज जयपुर। और गाइस जब अपन आया मैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज रेड मसल एंड व्हाइट मसल। ठीक है गाइस, देखो मैंने आपको बताया नर्व मसल फिजियोलॉजी में पिछली वीडियो में कि एक डिफरेंस का क्वेश्चन तो बनता है आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के बीच में, और एक और जो क्वेश्चन बनता है वो है रेड मसल एंड व्हाइट मसल के बीच में। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और इसका अपन देखेंगे डिफरेंस। ओके, तो मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूं और अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस, पहला तो रेड मसल के अंदर एक्चुअली इसका दूसरा नाम है टाइप वन, ठीक है ना, टाइप वन मसल, और इसको कहते हैं टाइप टू मसल। ठीक है, और इसके इसके फाइबर्स को स्लो फाइबर्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और इसके फाइबर्स को अपन फास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं कि एक्चुअली अगर देखो पहले एग्जाम्पल से लेते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रेड मसल का एग्जाम्पल हो गया सोलियस, ठीक है, वो मसल जो मतलब रिस्पॉन्स तो स्लोली करती है लेकिन लंबा कॉन्ट्रेक्शन दे सकती है। ठीक है ना, मान लो अगर आपको कोई लंबी मैराथन भागनी है तो एक्चुअली इसका रिस्पॉन्स स्लो होगा लेकिन वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कर सकती है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं रेड मसल, और क्योंकि रिस्पॉन्स स्लोली करती है और ये स्लो फाइबर से बनी हुई है इसलिए इसका स्लो फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक्चुअली वो मसल जैसे कि मैं बात करूं जो रिस्पॉन्स जल्दी करती है लेकिन जल्दी से थक जाती है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो एंटीरियर टिबियलिस, ठीक है, तो एंटी टिबियलिस मसल जैसे फटाफट किसी चीज के लिए भागना है, मान लो कोई शॉर्ट रेस है 100 मीटर 200 मीटर की, तो फटाफट भागना है तो वो मसल काम आएगी। जो व्हाइट मसल है जिसके अंदर फास्ट फाइबर्स है, जैसे एग्जांपल एंटी टिबियलिस, जो कि रिस्पॉन्ड जल्दी करे लेकिन जल्दी से फटीग हो जाती है वो, और ये रिस्पॉन्स में स्लो होती है लेकिन लंबे टाइम तक कॉन्ट्रेक्शन करती रहती है। क्लियर, अच्छा अगला पॉइंट, और क्या डिफरेंस हो सकता है, ये वही मैंने बताया रिस्पॉन्स स्लोली एंड आर एडेप्टेड फॉर लॉन्ग सस्टेन स्लो पोस्चर मेकिंग कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्ड स्लोली और सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्ड क्विकली एंड शॉर्ट कॉन्ट्रेक्शन टाइम, ठीक है ना, ये जल्दी से कॉन्ट्रेक्शन खत्म कर देती है। ठीक है ना, जल्दी थक जाती है। ठीक है ना, इसलिए ये मतलब एक स्किल मूवमेंट के लिए अप्लाई होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं एक और दूं तो जैसे एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, अब आप देखो अगर आप कोई चीज कॉपी को देख रहे हो और आपको अचानक से ऊपर देखना है तो वो मसल फटाफट से ऊपर भी देख लेगी तो रिस्पॉन्स कितना जल्दी किया उसने, लेकिन वो जल्दी थकती भी है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स। ओके, अगला पॉइंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मसल है मतलब ये एक ही तरीके से मैं आपको बार बार चीजें बता रहा हूं कि एक्चुअली लो इंटेंसिटी वर्क कर सकती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना, जैसे एथलीट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन के अंदर बायसाइकिलिस्ट, स्विमर्स, इनको चाहिए मेनली रेड मसल्स, ये चाहते हैं कि इनकी रेड मसल्स ज्यादा एक्टिव रहे। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये लो इंटेंसिटी वर्क, ठीक है, लो इंटेंसिटी वर्क ओवर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो एक्चुअली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अचानक से कुछ ज्यादा ताकत चाहिए वेट लिफ्टिंग के अंदर, फटाक से ताकत चाहिए, फिर बाद में भले थक जाए तो वेट लिफ्टर जो होता है वो वेट को छोड़ सकता है, लेकिन एक बार के लिए बहुत सडन ताकत दिखानी पड़ती है, तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अगले की अपन बात करें तो ये जो स्लो फाइबर्स होते हैं अगर इनके सेलुलर लेवल पर अपन बात करें तो जो स्लो रेड मसल्स होती है, ठीक है, स्लो फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर एक अच्छा एक्सटेंसिव ब्लड वेसल सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब क्योंकि स्लोली बार बार ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करना है इनको, तो इनको क्या चाहिए, बार बार ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के चक्कर में इनका जो ब्लड वेसल है वो एक्सटेंसिव है, जबकि अगर इसकी बात करें तो इसमें लेस एक्सटेंसिव है। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक्सटेंसिव क्या है, इसके अंदर है एक्सटेंसिव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसमें जल्दी से कॉन्ट्रेक्शन चाहिए, तो ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो जल्दी से कैल्शियम रिलीज कर पाएगा तो ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्लियर, अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये रेड मसल कह लो, स्लो फाइबर्स कह लो, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज नंबर, ठीक है,
ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करना है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करना है। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म सेकेंडरी है, अपन को तो फटाक से एनर्जी ही चाहिए, इसलिए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो जल्दी से थोड़ी बहुत एटीपी बना करके वर्क अपना निकाल ले और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम रिलीज कर पाए। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो है रेड मसल, इसके अंदर है ना बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है, ठीक है, लार्ज अमाउंट। मायोग्लोबिन क्या करता है, मैंने आपको बताया था, मसल के अंदर होता है मायोग्लोबिन बहुत सारा, ठीक है ना, इन रेड मसल्स के अंदर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करके रखता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है, तो जिससे मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, फटाफट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दी जाए और कॉन्ट्रेक्शन चलता रहे। और इसी वजह से ये मायोग्लोबिन की वजह से ही इन मसल्स का रेडिश अपीयरेंस है, तो स्लो फाइबर्स कह लो कि रेड मसल कह लो, और इसके अंदर मायोग्लोबिन की कमी है, किसके अंदर, अपने व्हाइट मसल्स के अंदर, और इस वजह से वो मायोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि इसकी इतनी जरूरत है नहीं, इस वजह से ये व्हाइट है, ठीक है ना, आपको आगे बात समझ में। अच्छा एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन ये मतलब आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, समझो कि मतलब ये कब, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब फास्ट फाइबर किसी में ज्यादा हो जाएंगे, स्लो फाइबर्स किसी में कम हो जाएंगे। मान लो अभी मैं एक एथलीट नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं नॉर्मल काम वाम करता जो करता हूं, ठीक है, कल को मैं एथलीट बनने की सोचूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे स्लो फाइबर्स जो है, मान लो कि मैं कल से मैं सोचता हूं कि मैं मैराथन वाला मतलब मैराथनिस्ट बनना है मुझे, ठीक है ना, जो मैराथन में भागते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्लो फाइबर्स, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे फास्ट फाइबर्स कम हो जाएंगे। एक्चुअली फास्ट फाइबर्स और स्लो फाइबर्स जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जब अपन पैदा होते हैं तो वो फिक्स हो जाए उसका रेशियो, ठीक है ना, हर एक में। तो होता क्या है, जिस तरह की मैं ट्रेनिंग करूंगा उस तरह की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी मतलब अगर मान लो मैं मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा हूं तो स्लो फाइबर्स मेरे ज्यादा हो जाएंगे, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।